तो वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस, पार्ट 3 लेके आ गए हूँ, रेडी टू प्ले। तो यार पिछले पार्ट में हमने एंटीडोट ढूंढ लिया था, लेकिन हम उनको दे नहीं पाए थे क्योंकि दरवाज़ा बंद था और हम लोग उस तरफ नहीं जा पाए थे। तो एंटीडोट कैसे देना है, इसके बारे में मैंने कल पूरी रात रिसर्च की और मैंने पता लगा लिया कि कैसे करते हैं। तो ऐसे देने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे नहीं जाएगा, उस पार आप नहीं जा सकते, तो इस साइड से आपको फेंकना होगा उस साइड। तो देखो यार, वो जो डार्ट दिख रहा है आपको, इस डार्ट को एंटीडोट में मतलब लगा लिया, डार्ट के ऊपर एंटीडोट है। अभी डार्ट को उनके ऊपर मारेंगे तो पूरा का पूरा काम हो जाएगा, हमारा मतलब मेरा कोई काम रोल यहाँ पे है ही नहीं। तो चलो डार्ट मारते हैं। ये देखो गाइस, डार्ट मारा और वो धीरे 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 ठीक होने लगे, और देखना उनकी अभी असली शक्ल उनकी अभी आएगी, आप लोगों को दिख पाएगी अभी असली शक्ल। देखो यार कितने मासूम है यार, तब बहुत अच्छे हैं साइंटिस्ट। तो अभी तो सब कुछ ख़त्म हो ठीक हो गया, लेकिन अभी यहाँ से इनको एस्केप करना होगा। तो चलो यार बाहर ढूंढने का रास्ता खोजते हैं। तो फिलहाल ये तो मेरे लिए आज नया है, ये नया रूम है, तो यार बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इससे निकल सकते हैं, इसको ओपन करने के कुछ चीज़ें सामान या मेरे पास नहीं है अभी। कबर्ड के अंदर एक रोबोट है शायद, हाँ रोबोट, ओ उल्टे साइड में कुछ है, एक बैटरी है, बैटरी मिला है गाइस, पता नहीं किस काम का, बाद में कोई ना कोई काम में आ ही जाएगा। तो यार एक चीनी किस काम का पता नहीं, लेकिन छोड़ो यार, कुछ ना कुछ काम बाद में आ ही जाएगा। तो यार ढूंढना, सबसे पहले यहाँ से एस्केप करने का रास्ता ढूंढते हैं यार। इधर से तो यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करो क्या नहीं करो। यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ पे कुछ नंबर्स है पीछे, वो पीछे आप लोग दिख रहा होगा कुछ नंबर्स है, लेकिन कचरे से भरी हुई है, पता नहीं कैसे साफ होगा। ओह गाइस मॉन्स्टर, ओह खतरनाक मॉन्स्टर है, ब्रीफ केस है एक, लेकिन यार लॉक है, पता नहीं कोड नंबर क्या होगा। खाली एक पिंजरा है, हड्डी वगैरह से कुछ नहीं हो रहा, तो उस साइड चलते हैं, देखते हैं इस साइड ढूंढते कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। नहीं इस साइड गाइस कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं गाइस कुछ नहीं मिल रहा है यार, फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, लगता है फिर से जगह ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। गाइस फिंगरप्रिंट था इधर, गाइस मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, लेकिन यार क्या फ़ायदा, मेरा से नहीं खुल रहा, शायद उन साइंटिस्ट से ओपन हो जाए। तो यार ढूंढते हैं कोई रास्ता मिल जाए यार, इस साइड तो नहीं, इस साइड ढूंढते हैं। गाइस यार पता नहीं यार दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए अजीब अजीब आवाज़ आ रही है। इस ब्रश से कुछ होगा क्या, सब नहीं मिटेंगे ब्रश है, हाँ होगा ब्रश ही ये होगा, लेकिन इसके लिए पेंट का डब्बा चाहिए, पेंट का डब्बा चाहिए। ओ गाइस यहाँ, हाँ ये यहाँ पे एक सीडी है, सीडी प्लेयर है, तो यार सीडी को डालते हैं यार, यार मैंने नोटिस ही नहीं किया यहाँ पे सीडी प्लेयर है, तो लेकिन यार उसके पीछे कुछ है शायद, सीडी तो डाल दिया, कुछ ओपन तो हुआ नहीं, चालू नहीं, पावर तो चाहिए ना। ओ गाइस उस बैटरी है ना, वो बैटरी इधर डालेगा, हाँ गाइस ये बैटरी इधर डालेगा, अभी सुनते हैं। चल क्यों नहीं रहा, हाँ चल गया, कैसी कैसी आवाज़ है, मेंढक की आवाज़, एल की आवाज़, पानी की आवाज़। गाइस ये जो आवाज़ है ना, मैं समझ गया कि ये जो आवाज़ है ये सारे के सारे इस सीडी में रिकॉर्ड थी, तो यार मैं समझ गया कि कैसे क्या करना है। तो ये जो आवाज़ है ना, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ, ये जो आवाज़ है ये इस सभी से, इस लॉकर से मैच करता है, लेकिन सीक्वेंस पता नहीं, सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा। तो यार इस टॉर्च का भी काम में आएगा, टॉर्च अभी सबसे पहले घर का अंधेरा करते हैं, उस साइड चलते हैं, अभी देखना मस्त। ये देखो नंबर्स आ गए सामने, आप दिख रहे हैं ना सॉन्ग्स, सॉन्ग्स का पिक्चर आ रहे हैं, दिखे ना, और इधर पे ये
सीक्वेंस है, पहले कितना, पहले दो है, उसके बाद पाँच, उसके बाद नौ, उसके बाद सात। देखो यार समझ लो, याद कर लो यार, नहीं तो यार नोटबुक में लिख लो। पहले दो है, उसके बाद पाँच है, उसके बाद नौ है, उसके बाद सात है, ठीक है समझ लो। नौ दो पाँच नौ सात, याद कर लो यार, दो पाँच नौ सात, दो पाँच नौ सात, दो पाँच नौ सात, ठीक है याद कर लिया। अभी यार उजाला करते हैं, दिन में उजाला भी ज़रूरत है। तो गाइस देखो यार अभी क्या करना है, अभी जो सीक्वेंस मिला है उस सीक्वेंस के हिसाब से हमको वो सब सुनना है, ठीक है आवाज़ें। तो पहला नंबर है दो, दो नंबर पे तो यार इसका तो मेंढक का आवाज़ है, इस नंबर पे यार पता नहीं किसका आवाज़ है, अभी कैसा आवाज़ है ये। लेकिन गाइस ये तीन नंबर, मुझे तो पाँच नंबर चाहिए, तो यार घंटे की आवाज़ है, तो सिंपल सा है घंटे की आवाज़। अभी नौ नंबर, दो पाँच नौ सात थे, नौ नंबर में ये तो गिटार है यार, सिंपल है, टिंग 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 टिंग। अभी सात नंबर के सुनते हैं, सारे भाई हंस गया गाइस सीक्वेंस मिल गया। तो पहला होगा मेंढक, उसके बाद होगा घंटी, उसके बाद होगा गिटार, उसके बाद होगा स्माइल मतलब हंसी। तो मेंढक देते हैं, ये देखोगे सिंपल है यार, ये मेंढक है, ये घंटी चला गया गाइस, घंटी चला गया जिंदगी से, घंटी चला गया, फिर से आएगा शायद, फिर से लाना पड़ेगा घंटी को। हाँ आ गया, अभी इसमें आएगा गिटार, ठीक है ना, गिटार आएगा, गिटार उसके बाद आएगा स्माइल हंसी। ये देखो गाइस ओपन हो गया, अभी पेंट बॉक्स मिल गया, अभी जाके दीवार पेंट करते हैं सबसे पहले। अभी बाकी का पूरा पता यार, पूरा समझ में आ गया बाकी का, पहले जाके यार आयरन लौंगे की बाल देने लग से उठ के रोड़ा। तो चलते हैं यार जाके दीवार पेंट करते हैं, उस दीवार में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो यार इस मेरे को गारंटी पता है इसके पीछे कुछ ना कुछ है, अरे हो क्यों नहीं, हाँ हाँ अभी होगा, अभी इसके पीछे कुछ नहीं है क्या। ओ गाइस एक मिला है कुछ, ठीक है कोई सिंबल है यार, पता तो नहीं कैसा सिंबल से पूरी दीवार यार, पूरी दीवार यार साफ कर दी यार, फ्री में है, फुकट में काम है ना, फ्री में काम करता पूरा। तो यार यार मेरे को पता चल गया है कि यार क्या सीक्वेंस क्या है, ये सिंबल्स किस काम का है। तो देखो सिंबल्स को ध्यान से देखो, पहला है डाउन, उसके बाद अप, उसके बाद तीन लेफ्ट, इसके बाद एक राइट, फिर से याद कर लो, डाउन अप तीन बार लेफ्ट और एक बार राइट। तो चलो यार बैठाते हैं, ये देखो सेम 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 है, जो सेम है ना, फिर से याद कर लो, डाउन अपर लेफ्ट 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 और एक राइट, ठीक है फिर से याद कर लो, ठीक से याद कर लो, नहीं तो नोटबुक्स में लिख लो, लिख लो लिख लो यार गधो लिख लो यार, याद नहीं रहेगा पता है मेरे को, फिर से जाके देखो। तो यार पहले डाउन, उसके बाद एक अप, तीन लेफ्ट एक राइट, ओके तो खुल गया यार, उसे बहुत स्मार्ट हूँ मैं, ये तो इजी इजी सब है। तो इसको मिलाते हैं, पजल जैसा कुछ है, पजल है, पजल गाइस पजल मिल गया, आधा काम तो ही पे हो गया, जिंदगी सफल हो गई मेरी। ये अंदर वाला नहीं घूमेगा, पीछे वाला, ये सभी सब घूमे, अंदर वाला नहीं घूमेगा, ज़्यादा घुमा दिया भाई। गैस गैस करो यार, कमेंट करो कि क्या बनेगा, अगर राइट हुआ ना तो यार दस रुपये का मैं पेटीएम कर दूंगा, सॉरी पेटीएम नहीं फ़ोन पे कर दूंगा। कमेंट करो साथ में अपना फ़ोन नंबर, फ़ोन पे का नंबर भी। गाइस ये पंछी है क्या, कैसा पंछी है, एन ओरिगामी बर्ड, मतलब क्या है पता नहीं। तो यार इतना तक तो बहुत आसान था, अभी यार बहुत ज़्यादा मुश्किलें शुरू हो गई है, तो पता नहीं यहाँ से यहाँ कैसे एस्केप करूँ यार, नंबर वगैरह यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक बहुत आसान था, मेरे को सब कुछ पता था, क्योंकि पता था यार सिंपल है यार, इतना अंदर की बात मत जानो ठीक है। तो यार पार्ट फोर के लिए वेट करो, पार्ट थ्री आप लोग को पसंद है तो यार लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब ठोको, और जल्द से जल्द मिलेंगे यार पार्ट थ्री लेके। और यार ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पार्ट का, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आने वाली है इस घर से एस्केप करने। थैंक यू लव यू गाइस।